हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू आवर चैनल। माय नेम इज अब्दुल्ला सिद्दीकी। आज हम जामिया गेट नंबर 17 के पास है, जामिया एमबीए हेल्थ केयर के स्टूडेंट्स हम कुछ बात करेंगे और क्वेश्चन पेपर का फीडबैक लेंगे कि पेपर टफ आया था कि इजी था, किस तरह का पेपर था, तो एक पूरा फीडबैक हम लोग लेंगे और इससे हम लोगों को एक आइडिया हो जाता है कि स्टूडेंट कैसा रियलाइज कर रहे हैं कि पेपर उनको टफ लगा, ईजी लगा, प्रीवियस ईयर के कंपेरिजन में कैसा पेपर था। तो ये सारी बातें उनसे करेंगे, बस ओवर होने ही वाला है। अब उनसे हम लोग चलिए बात करते हैं, टेक्निकल पार्ट कैसा लास्ट ईयर के कंपैरिजन में पेपर कैसा था। लास्ट ईयर कंपैरिजन में जनरल अवेयरनेस था वो ऑलमोस्ट सेम था बट टेक्निकल जो है थोड़ा सा लाइक टफ था, जो चार्ट एंड ग्राफ है। अच्छा, टफ थे, बाकी है ना पेपर ओवरऑल इजी लगा है। ओवरऑल पेपर इजी था, लास्ट ईयर के कंपैरिजन में इजी था, अभी तो हम लोगों ने देखा नहीं है, तो आपके हिसाब से कितनी कट ऑफ जानी चाहिए? आई गेस इस बार सेम जाएगी जैसे पिछले साल के 80-85 या 90 हो जाती है कट ऑफ की। आपका नाम क्या है? अब्दुल्ला मोहम्मद। अब्दुल्ला मोहम्मद, तो मुस्लिम की तो मुझे लगता 75 से हो जाना चाहिए बेसिकली। मुझे तो इतना अच्छा नहीं है चीज़ में, बट जब मैंने पेपर्स 2-3 साल के पढ़े हुए तो ऑलमोस्ट पेपर जो है वो सेम ही लगा है। तो आपने कहीं तैयारी की थी और सेल्फ स्टडी की? सेल्फ स्टडी की थी और सेल्फ की थी। चलो, बेस्ट ऑफ लक सेंटर की तरफ से। योर गुड डे, क्या नाम है आपका? फिजा। फिजा, मतलब पेपर कैसा लगा आपको लास्ट ईयर के कंपैरिजन में? टफ है या इजी है, कैसा है? टफर देन लास्ट ईयर, लास्ट ईयर का काफी। विच सेक्शन, कौन सा सेक्शन आपको ज्यादा टफ लग रहा है? लॉजिक, डेटा इंटरप्रिटेशन। डेटा इंटरप्रिटेशन टफ, हालांकि ये इजी आता है, डेटा इंटरप्रिटेशन ज्यादा टफ नहीं आता। व्हाट अबाउट साइंस सेक्शन, साइंस का सेक्शन कैसा लगा? एक्चुअली आई एम फ्रॉम फार्मा बैकग्राउंड, तो मेरे तो आपको टफ लगा होगा। और ज्यादा क्वेश्चन भी थे अभी, मैंने जो बात किया 50 क्वेश्चन साइंस के थे, तो ओवरऑल कितनी एक्सपेक्टेशन, कितनी आपको, कितना कट ऑफ जाना चाहिए? लास्ट ईयर कट ऑफ अराउंड 93 आउट ऑफ ये 200 आप कह रहे हो, जो एंट्रेंस एग्जाम का जो था? नहीं नहीं, पर नॉट परसेंटाइल, यहाँ पे जामिया में मतलब नेगेटिव मार्किंग है तो परसेंटेज भी हम लोग कैलकुलेट किया जाता है। तो मतलब मुस्लिम वीमेन का 75 पे इजीली जिसपे नाम था, आउट ऑफ 291 गया था लास्ट ईयर, तो आपके हिसाब से 70 तक सही होगा आपको। चलिए, बेस्ट ऑफ लक सेंटर की तरफ से। मुझे स्टार एजुकेशन से, तो कोई मतलब कोचिंग वगैरह लिया था, कैसे तैयारी? नहीं, नहीं, मैंने सेल्फ स्टडी किया था। चलिए, बहुत अच्छी बात है। ओके, प्रेम सादिया रईस, कैसा हुआ पेपर ओवरऑल? सर अच्छा गया पेपर, लास्ट ईयर से देखा जाए तो उससे इजी था लास्ट ईयर के कंपैरिजन में, क्योंकि इंग्लिश बहुत ज्यादा बेसिक थी। आरसी में भी मतलब बहुत ज्यादा इजी थे, नेट टू नेट आंसर थे, कोई मतलब ढूंढने की और कंफ्यूज वाली बात नहीं थी। और साइंस के लास्ट ईयर से 5 to 6 क्वेश्चन होंगे अप्रोक्सीमेटली, और अच्छा था पेपर। तो आपके हिसाब से कट ऑफ कितनी जानी चाहिए? सर कट ऑफ 90+ ही चाहिए। 90+ तो लास्ट ईयर आउट ऑफ 200 थे, एक बच्ची सौर मेरी बात हो रही थी, लास्ट ईयर जो फाइनल कट ऑफ था वो 200 में था, पेपर इजी था, एंटोनिम सिनोनिम्स भी बहुत नॉर्मल डेली वाले यूज वाले थे, तो आराम से तो मुझे लगता है। एंटोनिम सिनोनिम्स एक सेक्शन तो हर साल इजी रहता है, साइंस का सेक्शन कैसा था? साइंस का सेक्शन जिसने पढ़ा है उसके लिए इजी था, अदरवाइज मॉडरेट था। और मैथ और डीआई? मॉडरेट था, डीआई मैंने किया नहीं था तो मैं अभी सीएम कुछ कह नहीं सकती। अच्छा, प्रैक्टिस क्योंकि नहीं, डीआई आता था, टाइम नहीं था, टाइम अब मैनेज नहीं कर पाए। मॉक्स वगैरह तो दिया होगा ना, उससे तो कुछ आइडिया था? मॉक्स दिए थे लेकिन वो टाइम लेकर मैं चल रही थी तो, लेकिन डीआई का टाइम नहीं मिला मुझे करने का, डीआई का टाइम मैनेज नहीं हो पाया, टाइम मैनेज नहीं हो पाया। चलिए, ओवरऑल बेस्ट ऑफ लक सेंटर की तरफ से। थैंक यू सो मच सर। गुड डे, मोहम्मद फराज। मोहम्मद फराज, तो मतलब ओवरऑल पेपर कैसा लगा आपको? डीआई थोड़ा ज्यादा और कौन ज्यादा डिफिकल्ट लगा मुझे? कौन डिफिकल्ट था लास्ट ईयर के कंपैरिजन में? और साइंस का सेक्शन? साइंस का, साइंस ठीक था वो, मतलब जो 11th 12th का जो बेसिक वाला जो होता है ना वो मुझे क्वेश्चन में करा दिया था। हां, ओवरऑल आपके हिसाब से कितनी जानी चाहिए, कट ऑफ कितनी जानी चाहिए? इसमें 100+ जाएगी। जाएगी 100+ तो लास्ट ईयर भी नहीं गई थी, लास्ट ईयर तो मतलब आउट ऑफ 200 गई थी। ये 170 का जो एंट्रेंस एग्जाम हुआ है इसमें कितना जाना चाहिए आपको एंट्रेंस एग्जाम के लिए, मतलब जीडीपीआई के लिए कॉल आ जाए तो कितना? जीडीपीआई के लिए कॉल आ जाए इस वाले में, इसके हिसाब से मुझे लगता है 100 क्रॉस हो जाएगा, क्योंकि इसमें ना जो साइंस वाले जो पोर्शन था ना उसमें बहुत से बेसिक थे, और इंग्लिश में जो इंग्लिश बेसिक था, आरसी जो आया था रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन वो बहुत बेसिक आया था, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन बेसिक। एक सेक्शन तो हर साल इजी रहता है, इस साल जैसे लाइक मैथ्स और से टफ था और बता रहे हो डीआई का सेक्शन भी टफ, कभी भी इजी नहीं मिला। अच्छा, चलिए ठीक है, बेस्ट ऑफ लक सेंटर की तरफ से आपका सिलेक्शन हो जाए। योर गुड डे, अकरम सेकंड। अकरम सेकंड, कैसा हो पेपर? सर बहुत मेहनत था,
बहुत इजी पेपर था। कौन सा सेक्शन आपको इजी लगा, कौन सा टफ लगा? मेरी मैथ स्ट्रांग है तो मैथ का तो बहुत इजी था, मैथ्स का इजी था। डीआईपी एक तो मेरी सॉल्व की भी आई थी, बिल्कुल सेम थी। तो मॉक से आपको कुछ मिल गए थे, टेस्ट वगैरह? बिल्कुल ऐसा लग रहा था कि मॉक्स ही दे रहे हैं, मॉक्स ही दे रहे हैं, बिल्कुल वही रिफ्लेक्ट रिफ्लेक्ट कर रहा था। अच्छा अच्छा, तो ओवरऑल अगर हम सेक्शन वाइज बात करें, साइंस, इंग्लिश, डीआई, मैथ्स, कौन सा रीजनिंग में कौन सा सेक्शन ज्यादा इजी लगा? सर मैथ्स इजी था और रीजनिंग इजी था। मेरी साइंस थोड़ी वीक है तो उसमें मैंने 10-15 क्वेश्चन भी छोड़े। अच्छा, तो आपके हिसाब से कट ऑफ कितनी जानी चाहिए? 100 प्लस ही 100 प्लस 100 में से नहीं जाएगी, 100 से कम ही जाएगी। वैसे इजी था मुझे लगता है, वैसे इजी बहुत इजी था। चलिए बेस्ट ऑफ लक, सेंटर की तरफ से इंशाल्लाह आपका हो जाना चाहिए। प्योर गुड डे, अपना नाम बताइए पहले। मोहम्मद अतीक। कैसा हो पेपर आपका? अच्छा था, क्योंकि मुझे साइंस मैंने पढ़ी हुई थी और मेरा बैकग्राउंड भी साइंस है, तो मुझे आसान लगी साइंस, मतलब बहुत आसान। साइंस के कितने क्वेश्चन थे? ऑलमोस्ट 40-45 होंगे, उसमें से मेरे 50 कह रहे थे, तो हाँ मतलब 50 भी हो सकते हैं, मतलब मैंने गिने नहीं थे साइंस के कितने। हाँ, तो उसमें मेरे 40 तो सही होंगे, 50 होगा तो 40 सही होंगे, वरना 35 का गलत मान के चल रहा हूँ, सही होंगे। अच्छा, और बाकी इंग्लिश? इंग्लिश आसान थी, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन आसान था, वो मैंने कर लिया, और बाकी थोड़ा मेरा इंग्लिश में वैसे ही है, तो इसलिए सही से नहीं हो पाई। अच्छा, रीजनिंग और मैथ्स डीआई मुश्किल था, काफी टफ आया था डीआई, और मैथ में क्वेश्चन बने लेकिन टाइम लग गया उनमें, लेंथी कैलकुलेशन ज्यादा। अप्रॉक्स कितने क्वेश्चन आपने किए होंगे? मैंने 85 प्लस है। 85 प्लस डेफिनेटली हो जाएगा, क्योंकि लास्ट ईयर जो मेरिट गई थी 200 में, अप्रॉक्स 99 जिन लोगों का सही था, मतलब GDNPI और इंटरसेक्शन मिला करके उनका लिस्ट में नाम था, कट ऑफ 99 गया था लास्ट ईयर, तो फुल इंशाल्लाह हो जाएगा। चलिए बेस्ट ऑफ लक सेंटर की तरफ से आपको। गुड डे। मेहद आलम। मेहद आलम, आप? मेरा आना सहमत से दूर। आप सारे में आप भी आ जाइए। क्या नाम है? एहसान अली। एहसान अली, अपना पेपर कैसा हुआ ओवरऑल? पेपर ओवरऑल ठीक है, मतलब गुड नहीं कह सकते, बस एवरेज में आ सकता है। लास्ट ईयर के कंपैरिजन में कैसा है? लास्ट ईयर तो से हैवी क्वेश्चन, टफ क्वेश्चन, टफ क्वेश्चन, बहुत टफ था, लेंथी भी बहुत था, लेंथी था, उसके चक्कर में प्रेशर दूसरे सेक्शंस पे पड़ा। ओके, तो ओवरऑल कितना किया होगा आपने? अंडर 100 क्वेश्चन अटेम्प्ट करें, जिसमें से मोस्टली जो मुझे लगता है 70 से अबव सही होंगे। 70 से अबव सही होंगे। आपने कितना किया? मैंने 110 के अराउंड करा। 110? तो कितना सही होने की पॉसिबिलिटीज है आपका? सही होने की पॉसिबिलिटीज 80-85 के अराउंड। कौन सा, मतलब कोई सेक्शन ऐसा था जो आपको बहुत टफ लगा? डीआई जो था, डाटा इंटरप्रिटेशन, ये काफी लेंथी था और इसमें बहुत लेंथी मतलब करना पड़ रहा था, कि क्वेश्चन ऐसा नहीं था कि डायरेक्ट को, काफी लेंथी था। अच्छा, कुछ क्वेश्चन गलत भी लग रहे थे आपको? गलत जी, डीआई का एक सेट आया था, उसमें कलर्स पता नहीं चल रहे थे, तो उसमें काफी दिक्कत हुई सब बच्चों को जिससे मैंने बात करी। पेपर इजी था, इंग्लिश का जो पोर्शन था वो बहुत इजी था, पर डीआई बहुत ज्यादा टफ था। डीआई टफ था। साइंस का सेक्शन कैसा किया? साइंस भी बहुत ज्यादा इजी था। साइंस इजी, हाँ, इतना कुछ नहीं आया था साइंस में, बेसिक से क्वेश्चन थे, पर डीआई के दो सेट जो है वो बिल्कुल खराब थे, एक में कलर्स नहीं थे, एक में लाइट ही नहीं दे रखा था। बट लेकिन थोड़ा सा साइंस में था, जितना आता मतलब जितनी उम्मीद थी कम आदमी उससे ज्यादा ही आते थे, पेपर इजी था, लेकिन डीआई में लेंथी था बहुत ज्यादा, डायरेक्ट आंसर निकल रहे थे हर किसी हर क्वेश्चन में, बहुत कैलकुलेशन बेस्ड था। तो ओवरऑल कितना सही होगा? सर मैंने 100 क्वेश्चन अटेम्प्ट करे, 9900, उसमें से सर 80-90% सही हो जाने चाहिए। 80-90%। आपने कितना किया? मैंने 115 के राउंड किया, 10-15 के राउंड किया, और मेरा मतलब डीआई जो था वो लेंथी था, मतलब दो तो ऐसे डाटा नहीं थे, तो उसमें टाइम लग गया, और मैथ में थोड़ा सा स्पीड था, स्पीड अगर आपकी तेज है तो मतलब ओवरऑल सही है। देखिए, मैं आपको आप लोगों को एमबीए के लिए भी बताऊं कि कोई ना कोई सेक्शन ऐसा रहेगा जो डोमिनेटेड रहेगा, टफ रहेगा, कभी मिसप्रिंट रहेगी, ऐसे क्वेश्चन को स्किप करके आगे बढ़ जाना चाहिए, क्योंकि बहुत ज्यादा टाइम, वही गलती हो गई, मैंने भी आधा घंटा दिया। एक क्वेश्चन मतलब बहुत टफ आया था, उसमें मेरा हाफ एन आवर लगता है, इतना टाइम कभी नहीं देना चाहिए, आप याद रखिएगा, क्योंकि आप लोगों को अभी आगे भी एग्जाम देना है, एमबीए फुल टाइम। हम लोग एनालिसिस करने लगे थे ना, कि मतलब वो कलर में नहीं था, अब हम लोग कुछ एनालाइज करने लगे थे, तो आपने हेल्प नहीं ली वहाँ पे टीचर्स वगैरह से? बोला था, उन्होंने बोला कि जैसे आप लोग अटेम्प्ट कर दो, लास्ट 15 मिनट बिफोर मुझे ला के देते हैं डाटा, फिर बोलते हैं कि आप लोग करें, तो फिर उस टाइम पे तो कुछ नहीं हो सकता है ना, प्रेशराइज हो जाता है। बाकी मैं मैथ करने लगा था, डीआई में तो फोकस हो नहीं। तो आप लोगों ने एमबीए फुल टाइम का भी भरा है फॉर्म?
तो आप लोग एमबीए फुल टाइम पे फोकस हो जाइए। बेस्ट ऑफ लक सेंटर की तरफ से हो जाएगा इंशाल्लाह। योर गुड नेम, क्या नाम है? माय नेम इज मोहम्मद अवैस। आपका? माय नेम इज मुदस्सिर जमाल। मुदस्सिर जमाल, कैसा हो पेपर? अवैस, पेपर आज का सही था, ठीक था, मॉडरेट था, लेकिन थोड़ा लेंथी बहुत था। डीआई का सेक्शन काफी लेंथी था और एक डीआई में साइड भी नहीं दे रखा था, पूरा पाई चार्ट पूरा गायब था, उसके अंदर क्वेश्चन दे रखे थे खाली, और एक पाई चार्ट के अंदर ना पिक्चर क्लियर नहीं थी, कलरफुल वगैरह नहीं था, और डाटा पहचानने में दिक्कत हो रही थी। अच्छा, तो आपने किया उसको भी छोड़ दिया? उसको हमने अटेम्प्ट कर दिया, तो अटेम्प्टर को मार्क्स मिलते हैं उसके अंदर, अटेम्प्टर विल गेट मार्क्स, ये रूल होता है। और ओवरऑल को तब आपको डीआई टफ लगा, बाकी सेक्शन टफ नहीं, कैलकुलेटिव था, टफ नहीं कह सकते, कैलकुलेशन बहुत ज्यादा। मतलब जैसे जामिया के एमबीए हेल्थ केयर में डीआई इजी आता है, उसके कंपैरिजन में टफ था। ओके, ओवरऑल कितना क्वेश्चन आपका किया होगा? अगर आपको 120 के आसपास, 120-125 के आसपास, तो अप्रोक्स 100 तक सही होगा। हां, होपफुली नेगेटिव मार्किंग का माइनस भी करते हैं 100 आपका सही होगा। और आपने कितना किया? मैंने 120 अटेम्प्ट किए थे और डीआई मैंने पूरी छोड़ दिया। डीआई पे मैंने ज्यादा रिस्क लिया नहीं क्योंकि मुझे समझ में भी नहीं आता और लेंथी भी बहुत था। ओके, तो फिर मैंने ज्यादा फोकस अपना मैथ्स, इंग्लिश और साइंस और रीजनिंग पर रखा। ओके, तो डीआई के ओवरऑल कितने क्वेश्चन थे? डीआई के ओवरऑल नियर बाय 30 या 30 से ऊपर थे। 30 से ऊपर थी आपने, 140 में, इसका मतलब है कि आपने अराउंड 120 सही होना चाहिए आपको। लेट्स होप 120 सही होंगे, लेकिन मेरे मेरे कैलकुलेशन के हिसाब से 100 नियर बाय है। 100 आपके पास, तो बेस्ट ऑफ लक इंशाल्लाह आप लोगों का हो जाए। इंशाल्लाह सर, हो जाए। योर गुड डे सर। उमिया से। आपका यार निशा अंसारी। कैसा हो पेपर ओवरऑल? सर ओवरऑल ठीक ही हुआ है। मतलब आप अगर सेक्शन वाइज देखेंगे कौन सा सेक्शन टफ लगा आपको? डीआई थोड़ा टफ था। डीआई थोड़ा टफ सर। और डीआई को अगर माइनस कर दे बाकी पेपर कैसा था? बाकी पेपर मॉडरेट था, मैथ्स थोड़ी कैलकुलेटिव थी, मैथ की कैलकुलेशन ज्यादा थी। यस सर। और बाकी इंग्लिश इजी थी और साइंस भी काफी हद तक इजी थी, मतलब जनरल नॉलेज वाले क्वेश्चन ज्यादा थे साइंस। अच्छा, तो ओवरऑल कितना किया आउट ऑफ 170 कितने क्वेश्चन सही होने की पॉसिबिलिटीज है? 70 सही है, तो गलत तो नहीं अटेम्प्ट किया ज्यादा, जो किया सही किया है। चलिए ठीक है। और आपका? सर मुझे भी डीआई ही टफ लगा और मैथ का सेक्शन थोड़ा टफ लगा, और सर इंग्लिश इजी थी, बहुत ज्यादा इजी थी इंग्लिश इजी थी, और 70 अटेम्प्ट करे हैं मैंने। ज्यादातर बच्चे कह रहे हैं डीआई टफ थी, तो डीआई किया आपने कि नहीं किया? यस सर, डीआई मैंने किया, थोड़े से क्वेश्चन किए हैं बट वो सही है जो भी करे हैं। ओके, तो ओवरऑल कितना सही होगा आप अगर कैलकुलेट करें तो 170 में कितना सही होना चाहिए आपका? सर 70 क्वेश्चन अटेम्प्ट करे हैं मैंने तो 60 के अब सही हो जाएगा। 60 के अब सही होगा। चलिए बेस्ट ऑफ लक आपका हो जाना चाहिए। आपने देख लिया सर पेपर कैसा है? सर इंग्लिश का तो काफी इजी आया हुआ है और साइंस भी जनरल साइंस है, बहुत इजी है, मतलब टफ भी नहीं है और इजी भी नहीं है, नॉर्मल है, बट इंग्लिश तो बहुत ही ज्यादा लेवल, लो लेवल इंग्लिश, तो इंग्लिश का एडवांटेज तो सभी बच्चों को मिल जाएगा। जी, लगभग सबको मिल जाएगा क्योंकि सिर्फ आर्टिकल से ज्यादा क्वेश्चन उठाता है। मेरिट कौन सा सेक्शन डिसाइड करेगा इस बार? मेरिट इस बार ही तो कह नहीं सकते अभी, तो अभी पेपर एनालाइज करेंगे, फिर भी साइंस भी इतना ज्यादा टफ नहीं है, साइंस और इंग्लिश नॉर्मल है। देखिए जब मैंने देखा है साइंस अगर इजी आता है तो और भी बच्चों को उसका एडवांटेज मिलता है, क्योंकि एमबीए हेल्थ केयर के लिए बहुत से बच्चे ऐसे हैं जो जिनका साइंस बैकग्राउंड है वही इसके मतलब इस एग्जाम के लिए ज्यादा चेस करते हैं, तो साइंस अगर इजी था तो उसका एडवांटेज सभी को मिलेगा, इस बार सबको एडवांटेज मिलेगा। ओवरऑल पेपर आपको ठीक लगा? पेपर ठीक है, पेपर ठीक है, पेपर में कोई दिक्कत नहीं है, कुछ बच्चे कह रहे कुछ क्वेश्चन गलत थे, वो तो फिलहाल सबके लिए रहेंगे अगर गलत होंगे तो। हाँ, कुछ क्वेश्चन अगर गलत है जो लोग अब एमबीए फुल टाइम कर देंगे उस चीज को ध्यान रखें, किसी एक पर्टिकुलर उस पर आप लोग स्ट्रक नहीं हो जाना चाहिए, अगर कोई भी सेक्शन आपको टफ लग रहा है तो उसको छोड़ करके मूव कर जाना चाहिए अदर सेक्शन में, और फिर होता क्या है कि उस टाइम को आप बचा करके दूसरे सेक्शन में आप कर सकते हो, तो आपका जो है टाइम जो है उसी लिमिटेड टाइम में आप ज्यादा क्वेश्चन भी आप कर सकते हो, तो ये चीज अब आप एमबीए फुल टाइम के लिए ध्यान रखिएगा, कोई भी सेक्शन कोई भी क्वेश्चन आपको टफ लगता है उसे छोड़ करके मूव कर जाए आगे बढ़ जाए, और जब आपका पूरा पेपर हो जाता है उसके बाद उस सेक्शन को करना चाहिए। ठीक है सर? ओके।